हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी, विश्व की प्रमुख नहरें देखी थी और उनकी स्थिति देखी थी। याद रखना, मैप से संबंधित आपके जितने भी चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो एक जगह ही डाल दिए जाते हैं, वो है आपकी मैप्स के नाम से मानचित्र। सोचिए, प्लेलिस्ट जो सी है उसी में डले हुए हैं और आपके उसमें क्रम से डले हुए हैं सभी लेक्चर। अब हमें बात करनी है विश्व खनिज संसाधनों के बारे में। विश्व के प्रमुख जो खनिज हैं उनके क्षेत्र देखना है, उनकी मैप्स में स्थिति देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक बार मैप्स देख लेते हैं। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें ये हमारा प्यारा एशिया, ये आपका यूरोप हो गया, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका है। थोड़ी कुछ महत्वपूर्ण देश देख लेते हैं क्योंकि इसमें आपके पूछे जाएंगे खनिज संसाधनों में महत्वपूर्ण देश, देशों की स्थिति भी जानना जरूरी है। जैसे ये भारत, भारत में आपका ये नीचे श्रीलंका है, ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान याद रखना है आपको, अफगानिस्तान से भारत की बहुत छोटी सीमा लगती है पीओके वाले हिस्से की, और सबसे ज्यादा आपकी बांग्लादेश से लगती है। ये आपका ऊपर चीन है, फिर एशिया में आपका बर्मा हो गया, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, सीरिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात। ये आपके एशिया के महत्वपूर्ण देश हैं। ये आपके यूरोप के हैं, फिनलैंड, एस्टोनिया, बेलारूस, माल्डोवा, ग्रीस, सर्बिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, पोलैंड, चेकिया, स्लोवाकिया, बेलारूस। ठीक, ये आपके याद रखना है, कुछ देश आपके यूरोप में आप भी आते हैं और एशिया में भी, जैसे आपका रूस हो गया, तुर्की हो गया। ठीक है, ये देश आपके यूरोप से भी लगे हुए हैं और एशिया से। ये आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है, अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, इरिटिया, इथोपिया, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा, केन्या, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी, कांगो गणराज्य, कांगो, कैमरून, नाइजीरिया, माली, मोरिटानिया, सेनेगल, गिनी बिसाउ, लाइबेरिया। ये आपको देश इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हम लोग मैप्स में स्थिति देखेंगे कृषि क्षेत्रों की, फिर चाहे आपके खनिज संसाधन हो, तो आपको अंदाजा रहना चाहिए कि यहाँ हमारा सोमालिया है, यहाँ हमारा जैसे ये नामीबिया है, बोस्वाना है, ये जो मेडागास्कर है, ऐसी हमें स्थिति मालूम होनी चाहिए मैप्स में। ये अगर स्थिति दिखाई गई है कि यहाँ एक खनिज पाया जाता है तो हम समझ जाएंगे कि मेडागास्कर में पाया जाता है। जाम्बिया, कांगो गणराज्य, ये आपके प्रमुख अफ्रीका महाद्वीप के देश। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, यही आपका न्यूजीलैंड है, इसमें क्वींसलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ टेरिटरी, वेस्टबैन, न्यूकैसल, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड। ठीक है, यह आपका दक्षिणी अमेरिका है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, चिली, बोलिविया, पेरू, ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम। ऐसे प्रमुख आपको देश याद रखना है, डोमिनियन गणराज्य, क्यूबा, ग्वाटेमाला, पनामा, ये मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, ये आपके उत्तरी अमेरिका में, कनाडा, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल। तो चलिए, ये था आपके एक मैप्स की स्थिति का पता। ठीक है, मोटा मोटा एक बार अब हम लोगों ने
या वर्ल्ड की पूरी यात्रा कर ली है इसमें। बात करेंगे हम लोग लोहे खनिज। लोहे खनिज एक धात्विक खनिज है, यह प्राकृतिक रूप से शुद्ध रूप में नहीं मिलता है बल्कि अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। लोहे के अंश की मात्रा के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है। एक मैग्नेटाइट 72% लोहा, हेमेटाइट 60 से 70% लोहा, लेमोनाइट 40 से 50% लोहा और सेडेराइट ये 40 से 45% लोहा पाया जाता है। प्रमुख लोहे अयस्क क्षेत्रों की बात करें हम लोग, इसमें आपके प्रमुख लोहे अयस्क क्षेत्र हैं, जैसे रूस की बात कर लें तो इसमें आपका अंगारा हो गया, कुछ वाइस हो गया, कुछ टेने, यूराल, ठीक है, ये चीन के पास आपका आनसान, शानडोंग, सिक्यांग, भारत में मयूरभंज, कुद्देमुख, माउंट बुंडे, ऑस्ट्रेलिया के पास से माउंट बुंडे हो गया, कैपियार, याबी साउंड, फिलवास और ये आपका माउथ कोल्ड सबरथी। अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, लाइबेरिया में भी पाया जाता है लोहा। उत्पादक क्षेत्र मारूतानिया, मोरक्को, ग्रेनाडा, नेग्रो, यूरोप में सब लॉरेन, रू से करीबी यूरोप, इक्रूना, ये सभी आपके यूरोप में लोहे उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो अल्गो अलगा, रोबो, इता विया, नाचका, मोरकोना, काराजस, कैरो, एलपाउ, ये आपकी उत्तरी अमेरिका में क्यूबेक हो गया, लिब्राडोर, मेसाबी, पीटर्सबर्ग, अलमाबा, ओटाहा, कैलिफोर्निया, ये आपके प्रमुख लोहे उत्पादक क्षेत्र थे, लोहे अयस्क के क्षेत्र। कौन कौन से थे? रूस में कुछ क्यो राग, यूक्रेन, कुछ नेत्स रूस, ब्राजील में आपका जैसे मिनास हो गया, गेराइस, इस्तावीरा पहाड़ियाँ, पराना क्षेत्र, काराजस, चीन में मंचूरिया, सातुंग, सांसी, हैनान, वुहान, कनाडा में जैसे सेलविले, ओंटारियो, नेब्रास्का, क्यूबेक, न्यूफाउंडलैंड, अमेरिका में मैसाबी देखा ही है, अलबामा, बर्मिंगम, आयरन माउंटेन, ईगल माउंटेन, ऑस्ट्रेलिया में देखा है पिलवारा क्षेत्र, हेमसले क्षेत्र, मेडल, बैंक रेंज, माउंट गोल्ड बर्गी भी देखा है, स्वीडन में आपका किरूना, बगेलीवरा क्षेत्र, फ्रांस में देखा है मैंने नॉर्मंडी, पेरेनी क्षेत्र, ग्रेट ब्रिटेन में देखा है मिडलैंड बाय स्कॉटलैंड क्षेत्र। अब बात करते हैं दूसरा खनिज है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज लोहे के साथ मिश्रण करने वाले प्रमुख खनिज है, जिसका 95% भाग धात्विक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का प्रयोग मुख्यतः स्टील निर्माण में किया जाता है। बात करें प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्रों की, ये है आपके प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, जैसे सरानी, यूराल क्षेत्र, रूस और यूरोप और एशिया के बीच में, ठीक है, ह्यूआन, ह्यूनान आपका चीन, कियांगसी, सिंहभूमि भारत में, बालाघाट, क्वेटा ये आपका पाकिस्तान, चेतारा, निकोपोल ये यूरोप के पास, ये तुर्की के पास, दक्षिण अफ्रीका में आपका लमिनी, नसोता, सेलुके, नाडोला, रुस्तेनबर्ग, मोस्ट मासबर्ग, ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रेंज के वर्ले, आपका दक्षिणी अमेरिका में मांटेग्रासो, अमामा, अमापा, बोटे, बेने, ये सभी आपके प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं। चीन में कौन कौन से थे मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र? हुनान, क्वांस, क्यांसी, अनसान, शांगलिंग, पेंगी क्षेत्र, मंचूरिया, अमेरिका में मिनीसोटा, कैलिफोर्निया, वर्जीनिया, मिशिगन, कजाकिस्तान में आपका देख दी था और माजुलस्की खान। स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल तो निकोपोल यूक्रेन, चियातोरी खान रूस, केमास यूराल, बारीकर और नेटाजा क्षेत्र।
और दक्षिण अफ्रीका में कैप स्टेट, कोक्स ड्राफ, सेहरस और डेट्स आदि। ब्राजील में आपका अमापा क्षेत्र, बीरनगर, यूरो इरोमकम, लफायते की खान। घना की बात करें तो बसूरा खान, टिबाऊ खान। ताबा क्षेत्र की बात करें हम लोग, तांबा विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत उद्योगों में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली धातु है। तांबा अपने दो गुणों अर्थात वर्धनीयता एवं तन्यता के कारण काफी उपयोगी होती है। तांबा और टिन के मिश्रण से कांस्य तथा तांबा व जस्ते के मिश्रण से पीतल बनता है। अब हम लोग प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। ये आपके प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं, नोरिल्स्क रूस में, यूराल क्षेत्र हो गया, जजकाच गान हो गया, खेत्री हो गया आपका, बालाघाट एमपी में पड़ता है भारत में, माउंट टीसा ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रोकेन हिल्स, माउंट मॉर्गन ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, सभी अफ्रीका में आपके दक्षिणी अफ्रीका के पास, कटंगा जाम्बिया तांबा क्षेत्र है। और दक्षिणी अमेरिका में बात करें तो पाट्रिलोस, एल टेनी एटन, चिको चिको माटा माटा, ब्राडेन, मोरोकोचा ये सभी आपके दक्षिणी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में आपका नूनाबुट, फिलेन फ्लोन, सडवरी, वुट्टा, विंगम, विस्की, मोरेंसी आजो ये सभी आपके उत्तरी अमेरिका में। ठीक, ये सभी आपके प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र थे। चिली में जैसे चिको चिकुइक माटा सबसे बड़ी खान है, एल टेनीमेंट पोटरी लाए ये आपकी दक्षिणी अमेरिका के पास है। अमेरिका मोरेंसी, कासा ग्रांडे, बुट्टा मोंटाना, बिंगम खान। कनाडा की बात करें तो सैडबरी, ओंटारियो, सस्केचवान, मोनीटोबा, नोरेडा, क्यूबेक। रूस की बात करें तो यूराल क्षेत्र में काला सागर, कैस्पियन सागर के मध्य, वाल्क्रस झील क्षेत्र में। जायरे में आपका कटंगा क्षेत्र में, पेरू में सोहो सेहो पास्को, रोना एंटीलोप में, चीन में यूनान और तांगसान में। पर आपका बॉक्साइड, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। यह एक हल्की धातु है जिसका प्रयोग आधुनिक प्रौद्योगिकी में, हवाई जहाज निर्माण, बिजली के तार में व घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। याद रखना ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसके प्रमुख बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया, कैपयार्ड, ब्राजील, बीपा की खान, आर्नहम लैंड, जमैका, सेंट एलिजाबेथ, सेंट मैरी द्वीप। अमेरिका में आपके अरकियानसास, अपलेसियन क्षेत्र आयु। अफ्रीका में आपका गिनी तट प्रमुख है। बात करते हैं सोना की। सोना अग्नेय शैल की नसों व नदियों के बालू से प्राप्त होता है। विश्व के कुल स्वर्ण उत्पादन का 20% भाग आपका चीन के द्वारा होता है। इसमें प्रमुख सोना उत्पादक देश आपके चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका है। इनकी स्थिति देख लेते हैं। जहाँ सोना उत्पादन होता है, कोलार, अदाना आपका ये यूरोप एशिया में ही है। ठीक, कोलार, कुमिंग यूनान, मंचूरिया, चीता, मागडोन, यूकोटस क्रेन ये आपके रूस में हो गए, ये आपके चीन में। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, पिलबरा, कुलगाड़ी, कालगुरी, गुल्ली, कैपियाक, माउंट मॉर्गन। अफ्रीका की बात करें तो घाना हो गया, आइवरी कोस्ट, लेडेनबर्ग, सबूका, बिट वाट सारेंड, किम्बरली। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो साउथ पावलू, मिडेलिन ये आपका साबा क्षेत्र है, सीबा। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक ब्लैक हिल्स, मूसे, बूटे, फेयरबैक, डाउसन। ठीक है, ये आपके प्रमुख क्या थे सोना उत्पादक क्षेत्र। बात करते हैं चांदी, विश्व के प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्र देखते हैं। चांदी के बारे में आपको याद रखें, चांदी अधिकतर जस्ता, तांबा,
सीसाबाद सोने के अशुद्ध अयस्क के साथ मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। चांदी का प्रयोग आभूषण, सिक्कों, रासायनिक फोटोग्राफी और औषधि उद्योगों में होता है। इस पर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है आपका पेरू, मैक्सिको, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बोलीविया। चलिए तो आप बात कर लेते हैं यहाँ आपके प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्रों की। तो ये आपका डोकत हो गया रूस के पास, जावर भारत के पास, मंचूरिया चीन के पास, ऑस्ट्रेलिया में आपका किम्बरले पत्थर, कालगुल्ली, माउंट ईजी, ये सभी आपके ऑस्ट्रेलिया में। फिर दक्षिणी अमेरिका में आपके पोटोसी, सेरोडे पास्को, उच्ची चा कुआ, ये आपका यहाँ सेरा मजार है, पड़ुका, सेंट बर्बरा, चिहुआ हुआ, कोलोराडो, कुटिनी खान, सस्के चवन चवान, और ये आपका है ग्रीन किक खान, ये सब आपके उत्तरी अमेरिका में। तो ये आपके थे प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्र। अब बात करते हैं प्रमुख विश्व के प्रमुख जस्ता उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। विश्व के प्रमुख जस्ता उत्पादक क्षेत्र, जस्ता कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया की सुलीवन खान विश्व की सबसे बड़ी जस्ता खान जस्ता उत्पादन खान है। ऑस्ट्रेलिया में बुकरेन हिल व माउंट ईसा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा सीआईएस चीन, जर्मन, पोलैंड, इटली आदि जस्ता के अनन्य उत्पादक देश हैं। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ये आपकी ब्रोकन हिल्स, माउंट ईसा, ये आपका चीन के पास यूनान पठार क्षेत्र हो गया, जावर क्षेत्र आपका भारत के पास, कारानांडा, कुजबास, युवराज क्षेत्र, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो लोगोस्वासी दक्षिण अफ्रीका, ये सभी अफ्रीका में। दक्षिणी अमेरिका में साओ पाउलो, मिनास सगीरास, लीमा, कलाओ, ये सभी आपके दक्षिण अफ्रीका में। अरंग सास ओक्लाहोमा, मिसोरी, क्यूबेक, मानिटोजा, सुलीवान, ये आपके उत्तरी अमेरिका में। तो ये आपके थे प्रमुख विश्व के प्रमुख जस्ता उत्पादक क्षेत्र थे। बात करते हैं सीसा उत्पादक क्षेत्रों की। सीसा गिलेना सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क है जो मुख्य रूप से चूना पत्थर, अन्य परतदार चट्टानों की नसों में पाया जाता है। सीसा, जस्ता और चांदी ज्यादातर एक साथ पाए जाते हैं। प्रमुख उत्पादक देश अमेरिका, चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया है। अब इनकी स्थिति देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास आपका तस्मानिया, ब्रोकेन हिल, माउंट ईसा, ये जावर है भारत में, तुर्कमेनिस्तान, यूराल क्षेत्र में, मध्य साइबेरिया रूस में, यूरोप में आपका बुल्गारिया, तुर्की में भी है, मोरक्को में भी आपके सीसा उत्पादन प्रमुख क्षेत्र हैं। क्रोडी आपका पास को दक्षिण अमेरिका में, ओजार्स आपका उत्तरी अमेरिका, सर्वरी बूटे, बिंदक, विस्वरी ये आपका उत्तरी अमेरिका में, ये है आपके प्रमुख सीसा उत्पादक क्षेत्र। बात करते हैं विश्व के प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र। विश्व के प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र, टिन का स्रोत कैसेटे राइट रंगा पत्थर है। टिन का प्रयोग मिश्रित धातुओं, डिब्बों, मोटरगाड़ी, वायुयान और विद्युत उद्योगों में किया जाता है। टिन के प्रमुख उत्पादक देश हैं चीन, इंडोनेशिया, पेरू, बोलिविया। टिन उत्पादक क्षेत्रों को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपका माउंट ईसा है, फिर आपका बांग एशिया में, कैंटा घाटी क्षेत्र एशिया में, पेनांग, फूकेट, कारी, होवोई, सियांग, ये सभी आपके एशिया में, बर्कोयास्क ये रूस के पास एशिया में ही। अफ्रीका की बात करें तो कटंगा पठार, जोसवा, वाउची बाउची ये आपका दक्षिण अफ्रीका में, कर्नवाल ये आपका यूरोप में। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो पोतोसी ग्रासो क्षेत्र, रोडोनिया मालो, कुस्की पूना, ये आपके सभी टिन उत्पादक क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के। तो ये थे आपके प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र।
अब बात करते हैं हम लोग गैस उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। सीआईएस यह प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अधिकांश गैस यूक्रेन, वोल्गा बेसिन, पश्चिमी तथा पूर्वी साइबेरिया एवं मध्य एशिया में से प्राप्त होती है। कनाडा का अल्बर्टा एवं ब्रिटिश कोलंबिया है। एशिया में ईरान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, कुवैत, ब्रुनेई, इराक, जापान, भारत, बॉम्बे आई, पाकिस्तान प्रमुख उत्पादक देश। लेटिन अमेरिका में यहाँ वेनेजुएला, मैक्सिको, अर्जेंटीना प्रमुख उत्पादक हैं। यूएसए यहाँ की लगभग 90% गैस टेक्सास, लुसियाना, अरकानसास, न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया से प्राप्त होती है। अब गैस उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपका बास जलसंधि है, पोर्ट हेडलैंड है, दक्षिणी चीन सागर, बुनई, सिचुआन, सार्वालिन, साइम, ये आपका बोल्गा बेसिन है, ये आपका बाकू, गोजनी, ये आपका यूक्रेन, ये आपका बॉम्बे हाई है, भारत में ही है। यहाँ आपका दुबई, यहीं आपका अकाजारी व सुलेमान, अबू धाबी, अदन, घावर। अफ्रीका में आपका सिरते बेसिन, नाइजर डेल्टा। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो मारा काइबो व अरूबा। उत्तरी अमेरिका में आपका अरकसास, लुसियाना, सबिनान, कार्डिनास, कैलिफोर्निया, टेक्सास, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, ये सभी आपके उत्तरी अमेरिका में प्रमुख गैस उत्पादक क्षेत्र थे। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र। तेल उत्पादक क्षेत्र इसमें सऊदी अरब, अम्मान, एवयाक, अलखावर, हाइफर, हाफर, बेदगम, धावर, सफानिया, खुरेज, आबू अली, फलीची आदि। ईरान की बात करें तो मस्जिद सुलेमान, आगाजारी, कच सारन, लाली, कमरसाय। इराक की बात करें तो किरकुल, जुबेर। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई, शारजहां। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेसियन, लीमा, इंडियाना, मध्य महाद्वीप भाग, कैलिफोर्निया और रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, टेक्सास, राजस्थान, ग्रेट लेक इत्यादि। सीआईएस में गाकू, अंबा क्षेत्र, यूराल, बोलगा क्षेत्र, काकेशस, कैस्पियन, तुर्कमेनिस्तान, सखालीन आदि। इनकी स्थिति देखते हैं मैच में मैप में तो ऑस्ट्रेलिया के पास आपका वास जलसंधि है, हेडलैंड पोर्ट है, डली बेसिन है, एलिस स्पेन है, ये सभी आपके तेल उत्पादक क्षेत्र। बोर्नोई एशिया में है, सिचुआन चीन के पास है एशिया में, ये आपका सखालीन है, कमचटका क्षेत्र है तेल उत्पादक क्षेत्र। यही आपका सुलेमान हो गया, आगा जारी, अबादान, किकुक, देहरान, घावर, ये सभी आपके एशिया में, बोलगा क्षेत्र। अफ्रीका की बात करें तो सिरते बेसिन, नाइजर डेल्टा और हासी आपके अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र। उरुग्वे आपका दक्षिणी अमेरिका में, मग काइबो झील, अरूबा, ये आपके सभी दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में अरकसास, लुसियाना, कैलिफोर्निया, टेक्सास, अलवरी और ये आपका आथावास्की और अलास्का, ये आपके प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हो गए। अब बात करते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कोयले के में उपलब्ध कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। एंथेसाइट कोयला, इसमें कार्बन का अंश लगभग 90% तक होता है। बिटुमिनियस कोयला, बिटुमिनस कोयला, कोयला इस प्रकार की कोयले में कार्बन का अंश 70 से 90% तक रहता है। लिग्नाइट या भूरा कोयला, इसमें कार्बन का अंश 45 से 70% तक होता है। पीट कोयला, यह वनस्पतियों के अवशेष से कोयला बनने के का प्रथम रूप है। चलिए हम लोग कोयला उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं मैप में। न्यूकैसल आपका ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, सिचुआन ये आपका चीन में एशिया में, सांसी आपका रूस के पास है, सिंकिया हो गया, कारंगडा, मास्कोटूला बेसिन, पिचौरा ये भारत के पास एशिया में, जरिया, रानीगंज।
यूरोप में आपका सालेसिया, डोनबास, सार्क, उबेड डरे, या आपका न्यू साउथ वेल, और नॉर्थ थम्बरलैंड, डरहम, या आपके यूरोप में अफ्रीका में आपका अल्जीरिया हो गया, इनुगु, नेटाल, ट्रांसवाल, या आपके अफ्रीका महाद्वीप में हो गया। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो कंसेप्शन, ब्राजील, कोलंबिया आपके प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं दक्षिण अमेरिका में। अलबामा, अपलेसियन, केंटुकी, मिसूरी, कोलोरेडो, टेक्सास, ये आपके उत्तरी अमेरिका के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं फिर विश्व के प्रमुख यूरेनियम व थोरियम उत्पादक क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मैरी कैथलीन और रम जंगल, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में, ये आपका मलेशिया में है, श्रीलंका भी है, मालाबार तटीय क्षेत्र भारत, पालघाट, सिंध भूमि। प्रमुख यूरेनियम व थोरियम क्षेत्र है भारत में। यूरोप में आपका यूगोस्लावी स्लाविया है और सेंट्रल मैसिव, ये आपका यूरोप है। अफ्रीका में आपका चिंकोल लुब्बे और बिट वाटस रेड, ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। पूर्वी ब्राजील आपका दक्षिणी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इसमें आपका फ्लोरिडा तट प्रदेश हो गया, यहाँ आपका मैक्सिको हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, उत्तरी एवं दक्षिणी कैरोलिना हो गया, वायोमिंग हो गया, मैरी मैरिजविले हो गया, यूरेनियम सिटी हो गई है, फोर्ट रेडियम हो गया, ये आपका सभी उत्तरी अमेरिका में। तो चलिए ये थे आपके प्रमुख खनिज उत्पादन क्षेत्र, जिसके प्रमुख खनिज संसाधनों के क्षेत्र। आगे हमें बात करनी है विश्व के कृषि एवं मत्स्य पालन क्षेत्र प्रमुख, ठीक है, विश्व की कृषि देखेंगे, मत्स्य पालन क्षेत्र भी देखेंगे।